अब हिकमतें असल में दो तरह की हैं, इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। हिकमत हुक्म कहते हैं अरबी जबान में किसी चीज का पुख्ता हो जाना। इसके लिए बेहतरीन लफ्ज जो है जो आपके सामने रहना चाहिए, इस्तेहकाम है। मुल्क मुस्तहकम है, यानी ये अपने खिलाफ किसी भी हमले को जो है झेल सकता है, इसका जवाब दे सकता है, अपना दिफा कर सकता है। तो इंसान के अक्ल और शऊर की पुख्तगी का नाम हिकमत है। हिकमत दो तरह की है, यह है असल में समझने की बात, हिकमत उसूली या हिकमत ईमानी। वो जो मैंने शुरू में कहा, ईमान की मेटाफिजिक्स, ईमान का वेल्टन श्वाउंग, ईमान का वर्ल्ड व्यू, ईमान का फलसफा, लेकिन उसकी गहराइयों में उतरकर उसके अज्जा के बाहमी रब्त को समझना, ये जानना कि ईमान बिल्लाह खालिसतन सिर्फ फितरत पर मबनी शय है। अलबत्त बाकी ईमान बिल आखिरा, वहां फितरत के साथ मंतिक भी लगेगी, और कुरान मजीद के अंदर भी आपको वो सारी चीजें जो है एक अकली और हकीमाना निजाम के साथ देनी होंगी। इसी को कहा मौलाना रूम ने चंद खानी हिकमत यूनानिया, हिकमत कुरानिया रा हम बखान। कब तक यूनानियों की हिकमत पढ़ते रहोगे? अरस्तु की मंतिक इब्ने रुश्द के जरिए से कहीं से होकर हमारे यहां पहुंच गई, इब्ने सीना, फारामी, किंदी, ये वो सब क्या है, उनके गुलाम शरे लिख रहे हैं अरस्तु। या अगर सूफी मिजाज लोग हैं तो अफलातून और प्लोटाइनस, प्लेटोनिज्म। कुरान को हिकमत का जरिया बनाकर हिकमत से बात। एक है हिकमत ईमानी, एक है हिकमत उस तशरीई या हिकमत तफसीली या हिकमत फरोई, यानी हिकमत अहकाम। ये हुक्म क्यों दिया गया, ये चीज क्यों फर्ज की गई? आखिर अल्लाह ताला का जो उसूल है वो क्या है? फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, किसी हकीम हस्ती का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है हिकमत से खाली नहीं है। हिकमत समझ लेंगे तो उस पर अमल आसान हो जाएगा। वैसे तो ये समझ में आए ना आए आपको मानना है, आप मोमिन हैं, आपने अल्लाह को माना है, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी हिकमत समझ में आ जाए तो आपका सोना सीना खुल जाएगा, उसको कबूल करने के लिए जहन बेदार हो जाएगा, तबीयत की अपनी आमादगी हो जाएगी। हिकमत जो है वो जो आता है नव्विर कुलूबना बिल ईमान वश्रा सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाह हमारे सीनों, हमारे दिलों को तो ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे और हमारे सीनों को खोल दे इस्लाम के लिए। इस्लाम आकाम है, ये करो ये ना करो, और जिन चीजों से रोका गया खुदा के बंदो समझो वो तुम्हारे भले को रोका गया है। उसकी मैं मिसाल दिया करता हूं, आज आप जाइए मरी, वो जो सर जब पहाड़ी चढ़ते हैं आप तो जगह जगह निशान, अपनी रफ्तार कम करो, अपना ये करो, अब मोड़ आगे आ रहा है, ये सब करते कि नहीं? तो कहें ये क्यों, कौन होते हैं वो, हमें रोकने वाले कौन होते? भाई रोका है तुम्हारे लिए, आगे खाई है, तेज रफ्तार में मुड़ोगे जाओगे सीधे खाई के अंदर। इट्स फॉर यू, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी हयात के लिए। तो दर हकीकत तो शरीयत दी गई है हमारे अपने लिए, हमारी शख्सियत की ताबीर, इसकी ताबीर, इसकी तामीर सीरत, इसकी खुदी की ताबीर, ये सारा काम उसको हिकमत की जान। अब इस पर जो है एक तारीखी किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, इमामुल हिंद शाह वली दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, ये मास्टरपीस है। उसमें जो पहला इब्तदाई हिस्सा है वो जो हिकमत उसूली वाला है, उसमें मुझे कहीं कहीं इख्तलाफ उनसे है, लेकिन हिकमतुल अहकाम पर मैं समझता हूं कि वाकई वो एक इंसाइक्लोपीडिया है बेहतरीन। अब इस हिकमत अहकाम को जमा करके फिर निजाम बनते हैं, ये सियासी निजाम होगा, ये माशी हमारा निजाम बन जाएगा, वरना निजाम कुरान में लिखा हुआ कहीं नहीं है। अहकाम है ये हलाल ये आराम, उसी के हवाले से फिर हम बनाएंगे कि हमारा माशी निजाम ये बनता है, हमारा माशरती निजाम ये बनता है, हमारा सियासी निजाम ये बनता है। तो गोया के लॉ एंड सोशल साइंसेस, इन दोनों का जो मबना है
وہ حکمت تفصیلی ہے. حکمت تشریعی کہہ لیں، تفصیلی کہہ لیں، فروعی کہہ لیں، اور ایمان اس کا فلسفہ حکمت اصولی یا حکمت ایمانی ہے.